प्रदेश की सियासत में सबसे चर्चित और प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है रामपुर उपचुनाव, जिसको लेकर बीजेपी जहां एक रणनीति के तहत काम कर रही है, जबकि आजम खान खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाली रामपुर सीट पर बीजेपी ने भी अपना फोकस मुस्लिम वोटरों पर कर दिया है। इसके तहत रामपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के मुस्लिम चेहरों को अलग अलग वर्गों को लुभाने के लिए लगाया गया है। ये भी कोशिश है कि रामपुर के बड़े मुस्लिम चेहरे बीजेपी के साथ मंच पर दिखें। बीजेपी की रणनीति के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी रामपुर में डेरा डालेंगे। ये सभी पठान, तुर्कों और पसमांदा मुस्लिमों से अलग अलग संपर्क साधेंगे। दरअसल रामपुर उपचुनाव आजम खान के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, क्योंकि मुश्किलों के दौर से गुजर रहे आजम खान के करीबी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके जरिए अब बीजेपी उन चेहरों का उपचुनाव में प्रयोग कर आजम खान की सियासी जमीन खिसकाने की जुगत में लगी है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी का ये ऑपरेशन आजम खान की सियासी जमीन खिसकाने में कारगर साबित होता है या नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज की खबर, और पल पल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है आज की खबर। खबर जहां, हम वहां।